हत्या के मामले का एक आरोपी नालागढ़ कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद नालागढ़ पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी नालागढ़ अमित यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह कैदी कंडा जेल में था और इसे पेशी के लिए नालागढ़ कोर्ट परिसर लाया गया था, जहां पर यह शौचालय में गया और वहां पर खिड़की से फरार हो गया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने नाकाबंदी करके इसकी तलाश शुरू कर दी है। एक अक्यूज है 302 के केस में, जो 2015 का केस है, उसमें ये जो अक्यूज है ये जुडिशियल कस्टडी में था कंडा जेल में। कंडा जेल से दो कॉन्स्टेबल्स हैं जिनकी कस्टडी में थे आए, और एडिशनल जो सेशन जज हैं उनके कोर्ट में इनको लेके आ रहे थे। उस टाइम पे 9:30 से 10 के बीच में ये जो एस्केप कर गया है पुलिस की कस्टडी जी, कोर्ट के अंदर से, कोर्ट कॉम्प्लेक्स से, सेकंड फ्लोर से, और वहाँ पे टॉयलेट है, तो वो टॉयलेट यूज़ करने के बहाने से वो गया वहाँ पे, और वहाँ से वो भागा।